दोस्तों फ्रांस के लोर्ड म्यूजियम में रखी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है। इसे 1503 से 1519 तक फेमस इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाया गया था। मशहूर होने के साथ ही पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है, जिसकी कीमत $860 मिलियन आंकी गई है। नंबर 4, इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को 16 साल लग गए, जिसमें सिर्फ मोनालिसा की मुस्कान को बनाने में ही 12 साल लग गए थे। और यही मुस्कान इसे दुनिया भर में खास बनाती है, क्योंकि ये मुस्कान देखने वाले के मूड के हिसाब से बदलती रहती है। नंबर 3, मोनालिसा को बनाने के लिए लियोनार्डो ने फुमातो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो अपने समय से काफी आगे थी, और इसकी वजह से ही पेंटिंग पे ब्रश या स्ट्रोक्स के निशान नहीं दिखाई देते, जिससे पेंटिंग काफी जिंदा और रियल लगती है। नंबर 2, रिसर्च के दौरान मोनालिसा की आंखों में कुछ लेटर्स और सिंबल्स के साथ पेंटिंग्स में कुछ नंबर्स भी मिले, मगर इसका मतलब क्या है और लियोनार्डो ने इसे पेंटिंग में क्यों छुपाया, ये बात कोई नहीं जानता। नंबर 1, कुछ लोगों का दावा है कि इस पेंटिंग के जरिए लियोनार्डो ने हमें एलियंस के बारे में आगाह किया है, क्योंकि इस पेंटिंग में इटालियन भाषा में एक हिडन मैसेज लिखा है, जिसका मतलब है जवाब यही है। और जब इस पेंटिंग को मिरर में जोड़ के देखा गया तो एक एलियन जैसी छवि दिखाई दी।